व्हाट्सअप गाइज, अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप के नॉर्मल वीडियो को कुछ इस टाइप में 4K HD अल्ट्रा में कन्वर्ट करना चाहते हैं VN ऐप का यूज करके, तो बस आप लोग इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। 100% मैं आप लोग को सिखा दूंगा और ऐसा ट्यूटोरियल पूरे YouTube पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, 100% मैं एडिटिंग सिखा के ही रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ से VN ऐप को ओपन करना होगा। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके बिल्कुल फ्री में VN ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नीचे साइड में प्लस के आइकन पे आप लोग को एक बारी ऐसे टैप करना होगा और टैप कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पे एक बारी हम लोग ऐसे टैप कर देंगे और टैप कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी वीडियोज एंड फोटोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप लोग को 4K में कन्वर्ट करना, उस वीडियो को आप अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे साइड में तीर के आइकन पे आप लोग को एक बारी ऐसे टैप करना होगा और टैप करते ही आपका वीडियो यहाँ पे VN ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा और इसी वीडियो को हम लोग एडिट करेंगे और कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो के अंदर आपका भाई देने वाला है। तो इस वीडियो को बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, मैं 100% एडिटिंग सिखा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके वीडियो के एंड में आना होगा। एंड में यहाँ पे ब्लैक कलर का VN ऐप का एक लोगो मिलता है, तो इसे सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे टैप करके डिलीट कर देंगे। That's it guys, इसके बाद आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में आना होगा और स्टार्टिंग में आने के बाद नीचे साइड में एक वैल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। तो वैल्यूम वाले पे हम लोग ऐसे टैप करके इसकी वैल्यूम को यहाँ पे 0% करके और राइट के आइकन पे टैप कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ऐसे दोनों फिंगर से पकड़ के वीडियो की लेंथ को ना ऐसे मैं छोटा कर लेता हूँ। और कर लेने के बाद मैं क्या करूंगा ना, सिंपल से अब आप लोग को यहाँ पे मैजिक देखिएगा। सिंपल तरीके से सबसे पहले स्टेप के अंदर ना आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग करेंगे, जिससे आपका वीडियो 4K में तभी अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो पाएगा। तो कलर ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए नीचे साइड में फिल्टर के आइकन पर आप लोग को टैप करके और यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैंने यहाँ पर लट्स ऐड करके रखा है। एक क्लिक में यहाँ से आप अपने वीडियो की बैकग्राउंड को मतलब पूरी वीडियो की कलर को चेंज कर पाएंगे। अगर आपको ये सारे लट्स को ऐड करना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि शैलेश भाई इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे लेकर आ जाऊंगा कि कैसे आप वन क्लिक में अपने वीडियो को पूरी एक क्लिक में ऐसे कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो आप लोग को कमेंट करना होगा। फिलहाल मैं इस वाले फिल्टर को यहाँ पे लेके और इसकी जो ओपेसिटी है ना इसे मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। देन कर लेने के बाद सिंपल से एडजस्ट वाले पे आऊंगा और आने के बाद सबसे पहला काम हम का ये होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे हम जो जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग प्लस साइड में यहाँ पे 50% कर देंगे। 50% कर लेने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस पे जाके इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू प्लस साइड में 6% कर दीजिएगा। सेचुएशन पे जाके प्लस साइड में इसकी वैल्यू 11%, वाइब्रेंस पे जाके इसकी वैल्यू प्लस साइड में यहाँ पे आप लोग 30% कर लीजिएगा। सिंपल से गाइस इतना सारा काम कर लेने के बाद ऐसे स्क्रॉल करके शार्पन पे आइएगा और इसकी शार्पन की वैल्यू प्लस साइड में 80 आप लोग कर लीजिएगा। 70 और 80 के बीच में इसकी शार्पन की वैल्यू आप लोग रखिएगा और ऐसे स्क्रॉल करके आगे आके शैडो की वैल्यू प्लस साइड में आप लोग 11% रख लीजिएगा। देन इसके बगल में नॉइज वाले में आके इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 52% रख लीजिएगा। और जो भी सेटिंग यहाँ पे आपका भाई बता रहा है उसे आप लोग सेम रखिएगा, तभी आप अपने वीडियो को 4K में कन्वर्ट कर पाएंगे। That's it guys, ऐसे स्क्रॉल करके पीछे आएंगे, HSL के आइकन पे जाना होगा और जाने के बाद सिंपल से ग्रीन कलर को लेके इसकी सिचुएशन की वैल्यू प्लस साइड में 100% कर देंगे। ह्यू की वैल्यू भी प्लस साइड में यहाँ पे 27% और लाइटनेस की वैल्यू प्लस साइड में 16% कर लीजिएगा। देन यहाँ से आप लोग को ऑरेंज कलर को लेना होगा जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है और इसकी लाइटनेस की वैल्यू हम लोग प्लस साइड में यहाँ पे 82% करके सिचुएशन की वैल्यू माइनस साइड में यहाँ पे हम लोग 40% कर देंगे। सिंपली गाइज इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, राइट वाले आइकन पे यहाँ पे टैप करना होगा और टैप कर लेने के बाद सिंपली
अब यहाँ से आप अपने वीडियो को देखिए, हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। देन दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से अपने वीडियो के लेयर पे ऐसे एक बारी आपको टैप करना होगा, और टैप कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, तो डुप्लीकेट वाले पे एक बारी आप लोग ऐसे टैप कर दीजिएगा और इसी का एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो सिंपल से इस वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और नीचे साइड में आप लोग को स्क्रॉल करके एंड में आना होगा, और एंड में आप लोग के सामने एक फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो फॉरवर्ड वाले पे आप लोग टैप कर दीजिएगा, और टैप कर लेने के बाद इसी ये जो वीडियो है ना हम लोग का ओवरले में आ जाएगा, तो इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा और आप अपने फिंगर से ऐसे पकड़ के होल्ड करके रख के आगे ऐसे खींचिएगा। आगे खींच लेने के बाद इस वीडियो के बराबर करके और नीचे साइड में स्क्रॉल करके यहाँ से आप इसे फिट कर दीजिएगा, और कर लेने के बाद ऐसे स्क्रॉल करके आगे आके ये ब्लैक कलर का जो ब्लेंड वाला लेयर है इसे हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। दैट्स इट गाइस, इसका आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, 100% मैं सिखा दूंगा। ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोग को ब्लेंडिंग पे आना होगा, और ऐसे साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोग के सामने एक ऑप्शन मिलेगा एक्सक्लूजन करके, तो इसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, और कर लेने के बाद राइट वाले आइकन पे आप लोग को टैप करना होगा। टैप कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर साइड में इस वाले आइकन पे टैप करके ये वाली सेटिंग आप लोग रख लीजिएगा, और सिंपल से एक्सपोर्ट के आइकन पे टैप करके आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो आप उस टाइप की 4K HD में वीडियो को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। वीडियो को सेव हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग को यहाँ से बैक आना होगा, और बैक आने के बाद ऊपर वाले लेयर को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे डिलीट कर देना होगा, और डिलीट कर लेने के बाद अगेन आप लोग को इसी मीडिया के आइकन पे टैप करके वीडियोज एंड फोटोज वाले आइकन पे टैप करना होगा, और जिस वीडियो को अभी हम लोगों ने सेव किया उस वीडियो को अगेन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नीचे साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पे इसे फिट कर देंगे। कर लेने के बाद अगेन साइड में स्क्रॉल करना होगा, ब्लेंडिंग के आइकन पे आके इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन कर लेने के बाद इसकी ओपेसिटी की वैल्यू आप लोग 40 के करीब रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 30 रख लेता हूँ। 30 रख लेने के बाद ये स्क्रीन भी आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंस भी कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आप लोग को अच्छा लगे यहाँ पे कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन कर लेता हूँ, स्क्रीन कर लेने के बाद इसे 30% करके और राइट क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट गाइस, इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, एक स्टेप और हम लोग का बाकी है, उसके बाद आप लोग का कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। तो इस वाले आइकन पे टैप करके अगेन आप लोग ये सेटिंग रख के अपने वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। अगला स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। वीडियो सेव हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग को बैक आना होगा, और बैक आने के बाद यहाँ से विंक ऐप को हम लोग ओपन कर लेंगे, और ओपन कर लेने के बाद इमेज क्वालिटी पे आप लोग को टैप करना होगा, ट्राई नाउ के आइकन पे टैप करके उसी वीडियो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कर लेने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग होगा, फिर रिजल्ट आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। गाइस जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो रिजल्ट आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा। पहले वीडियो हम लोग की कुछ इस टाइप से थी, लेकिन जब हम लोगों ने HD में कन्वर्ट किया तो हम लोग का वीडियो यहाँ पे 4K में कन्वर्ट हो गया बहुत ही आसान तरीके से। तो इस टाइप से आप अपने नॉर्मल वीडियो को 4K में कन्वर्ट कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को सेव करने के लिए सेव वाले आइकन पर टैप करके वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।